नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 10 फरवरी, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पहली बड़ी खबर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने एक बार फिर से दोहराया, कहा दिल्ली में हम जीतेंगे 48+ सीटें। एग्जिट पोल जो आया है वो 3 बजे तक का है। जी हाँ, बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के आंकड़े पर केजरीवाल ने मचाया हल्ला, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 62% हुआ है मतदान। अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि संघ का मास्टर प्लान, जनगणना में हिंदू धर्म को अपनाएगी आदिवासी। जी हाँ, आदिवासियों को हिंदू धर्म में बनाने जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नए जिलों के नाम बदलने जा रहे हैं। कुछ एक जिसे जो मुसलमान से जुड़े नामों हैं उनको बदलने जा रही है योगी सरकार। संतों ने की है बड़ी मांग समेत 10 बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें, नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश समेत 10 बड़ी खबर जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी नागरिकता संशोधन कानून का पुरजोर समर्थन करते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार देखते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में मनोज तिवारी बोले, एग्जिट पोल 3 बजे तक का है, बीजेपी को मिलेंगे 48+ सीटें। जी हाँ, विधानसभा दिल्ली के इसलिए शनिवार को हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी 48+ सीट के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने तर्क दिया है कि एग्जिट पोल 3 बजे तक का है, उसके बाद 7:30 तक वोटिंग हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी वाले क्यों परेशान हो रहे हो, उनको तो एग्जिट पोल 44 सीटें दे रहा है, फिर भी उनकी सांस उल्टी चल रही है। अभी से उनको EVM को दोष देने की बेचैनी बनी हुई है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने कहा है कि हम तो यही बोल रहे हैं कि EVM का रोना अभी से रोना शुरू कर दो, क्योंकि 11 तारीख को तो रोना ही है, क्योंकि 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें के साथ पूर्ण बहुमत वाली सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से, मनोज तिवारी का बड़ा ऐलान है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के आंकड़े पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा 62% हुआ मतदान। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वोटिंग के बाद मत के आंकड़ों को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर हमला बोलकर कहा था कि वोटिंग के घंटों बाद भी चुनाव आयोग ने वोटिंग का परसेंटेज जारी क्यों नहीं किया। अब आयोग ने इस विवाद पर विराम लगा दिया। आयोग ने रविवार को शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान परसेंट 62.59% रहा है, इससे पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 2% अधिक है। चुनाव आयोग ने कहा है कि दिल्ली में शनिवार रात वोटिंग जारी थी, देर रात डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। आयोग ने कहा है कि सबसे अधिक मतदान बल्ली रामनपुर क्षेत्र में हुआ है, यहां पे लगभग 71.6% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान दिल्ली के छावनी में 45.4% हुआ है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से EVM और चुनाव आयोग को भी घेरना शुरू कर दिया था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि संघ का मास्टर प्लान, 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से जोड़ने की तैयारी। जी हाँ, पिछले 4 दशक से आदिवासियों को अपने धर्म अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनगणना शुरू होने से पहले हिंदू धर्म जोड़ने का मास्टर प्लान कोशिश कर रहे हैं। संघ की भोपाल में आयोजित समन्वय बैठक में आदिवासियों से अपील की गई है कि वे प्रस्तावित जनगणना में अपना धर्म हिंदू दर्ज कराएं। संघ की मुख्य चिंता देश में हिंदुओं की घटती जनसंख्या है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी वर्ग जनगणना के फॉर्म में अपने लिए अलग कोड की मांग कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर आदिवासियों से धर्म के कालम में हिंदू लिखने में सफल हो जाता है तो ये देश की राजनीति में बड़ा असर डालने वाला कदम होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 1 फरवरी से मध्य प्रदेश के प्रवास पर थे। गुना में 3 दिन के बाद युवा संकल्प शिविर के समापन के बाद मोहन भागवत ने भोपाल में संघ की समन्वय बैठक ली। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और संघ का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। संघ पिछले कई सालों से यहाँ आदिवासी इलाकों में सक्रिय है और अपनी मजबूत पैठ बनाए हुए है, और 2021 के होने वाले जनगणना में आदिवासियों को पूरी तरीके से हिंदू धर्म में जोड़ने की कवायद है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं
आम आदमी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इससे बड़ा फायदा होगा और इससे राजनीतिक मजबूत जो है वो आरएसएस की और मजबूत होगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संतों ने की है बड़ी मांग, जितने भी यूपी में मुस्लिम जिले हैं उनको हिंदू नामों से किया जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में साधु संत अब चाहते हैं कि यूपी में योगी सरकार उन सभी शहरों का नाम बदले जिनके नाम मुस्लिम मालूम पड़ते हैं। बस्ती जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव का स्वागत करते हुए संतों ने कहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में शहरों के नाम बदलकर मुगल शासकों द्वारा रखा गया था और इन शहरों को उनके मूल नाम वापस दिए जाने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार अब बस्ती जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पे माना जा रहा है कि अब संतों का कहना है कि इसी के साथ कुछ और जिले हैं जैसे आजमगढ़, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, फतेहपुर, बुलंदशहर और आगरा जैसे जिलों को भी यूपी में 2022 के चुनाव से पहले योगी सरकार को इन जिलों के भी नाम बदलने चाहिए और इनके नाम पूर्वजों के नाम हिंदुओं के नाम से रखने चाहिए। तो इस तरीके की बड़ी मांग संतों ने कर दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि नौकरियों पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकारें नियुक्ति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का कोई मूल अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने पीठ से कहा है, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनज़र इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा कोई मालूम मूल अधिकार नहीं है जिसके तहत कोई व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण का दावा करे। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि न्यायालय राज्य सरकार को आरक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश देने के लिए कोई परमादेश नहीं जारी कर सकता है। उत्तराखंड सरकार के 5 सितंबर 2012 के फैसले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा आदेश दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को लिखा खत, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत ने की मदद की पेशकश। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पत्र लिखकर कोरोना वायरस से निपटने में भारत की तरफ से मदद की पेशकश की है। आधिकारिक सूत्रों से बताया गया है कि लेटर में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर जिनपिंग और चीन के लोगों के प्रति एकजुटता का इजहार किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने के लिए चीन की मदद की की और इस खतरनाक वायरस की वजह से हुई मौतों के प्रति संवेदना भी जाहिर की। आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस की जगह से अब तक 811 लोगों की मौत हो चुकी है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक चीन में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 37,000 तक पहुंच गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, यूपी सरकार लाएगी इंटर्नशिप स्कीम, इससे जुड़ने वाले युवाओं को हर माह मिलेगा 2500 रुपये। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष हम इंटर्नशिप की एक स्कीम लेके आ रहे हैं जिसके तहत 10वीं और 12वीं की ग्रेजुएशन करने वाले नौजवानों को विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों से जोड़ा जाएगा। 6 महीने और साल भर की इंटर्नशिप करने वाले प्रत्येक नौजवानों को मानदेय के तौर पर हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा, जिसमें 1500 रुपये केंद्र सरकार और 1000 रुपये राज्य सरकार देगी। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद युवाओं के प्लेसमेंट की व्यवस्था भी सरकार करेगी, जिसके एक HLR सेल भी बनाई जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में हमने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी है और इसका मास्टर प्लान भी तैयार किया है। जी हाँ, दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा है कि केंद्र सरकार ने देश को 2024 और 25 तक $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बजट में उपभोग बढ़ाने की जमीन तैयार करने के साथ साथ ढांचागत सुविधाओं के विकास में सरकारी निवेश की सुनिश्चित व्यवस्था की है। वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में दरों को स्थायित्व की आवश्यकता पर भी बल दिया। दरों में हर महीने 3 महीने के बजाय साल में केवल 1 बार संशोधन की वकालत की है। आपको बता दें कि ये बैठक कोलकाता में चल रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, कहा है कि घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंको। जी हाँ, आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को अपनी पार्टी की एक रैली में कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून NRC के विरोध में निकाले जा रहे मोर्चे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आज देश में जो घुसपैठियाँ हैं, ये घुसपैठियों की वजह से आज इस देश
के गरीबों को संसाधन पर वो राज कर रहे हैं, इसलिए ऐसे घुसपैठियों को देश से उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। इसी के साथ राज ठाकरे उन मुसलमानों पर भी भड़क गए हैं जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में रहकर आज हिंदुओं को दूसरे देश से आने पर ये मुसलमान आज बिना मतलब के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन सभी मुसलमानों को चेतावनी दी है जो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू शरणार्थी, अगर हिंदू आता है, हिंदुओं का देश है, तो इसमें क्या गलत है? क्या वो पाकिस्तान से आतंकवादियों को लाना चाहते हैं और पाकिस्तान को आतंकवादियों का शामिल किया जाए इस कानून में, ये वो मानना चाहते हैं? इस तरीके से मुसलमानों पर भड़ास निकाली है। फिलहाल दोस्तों आज की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आप भी नागरिकता संशोधन कानून का पुरजोर समर्थन करते हैं और दिल्ली में आप भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।